इसमें हमारे पास यहाँ दे रखा है कि z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा डेटा और हमारे पास एक रिलेशन दे रखा और वो रिलेशन ये दे रखा है का पावर n है ना यहाँ पे दे रखा है ना प्लस एंड इज इक्वल टू टूर मोड z थीटा पावर n बेटा इसकी वैल्यू रखेंगे तो यार ये या आएगा r e की पावर आयोटा डीटा पावर एन प्लस वन है ना इज इक्वल टू यहाँ मोड है प्लस ये आएगा ई e की आर ई e की पावर आर ई की पावर आयोटा ठीटा पावर एन माइनस वन हो जाएगा राइट इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया इधर देखिए आप लोग है ना इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो यार यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा आर पावर एन ई की पावर आयोटा एन ठीटा प्लस वन इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा आर पावर एन है ना और ई की पावर आयोटा ठीटा पावर एन आ जाएगा हम जानते हैं मोड ऑफ ई की की पावर आर टीटा वन होता है ना इसमें ई की पावर आयोटा ठीटा का जो मोड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा है ना दैट इज इक्वल टू वन तो मोड ऑफ ई की पावर टीटा वन हो जाएगा राइट बट इसको खोलते हैं तो यार ये आएगा आर पावर एन इसको लिखेंगे थीटा प्लस साँग साँग थीटा, ना ये हमारे पास आएगा प्लस वन इज इक्वल टू आर पावर एन माइनस वन तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी इसको अगर एक साथ लेते हैं तो बेटा ये आएगा आर पावर एन आर पावर एन कॉस एन टीटा बेटा प्लस वन इसके साथ लिखेंगे है ना प्लस आयोटा आर पावर एन साइन थीटा मोड इज इक्वल टू आर पावर एन माइनस बेटा एक काम करता हूँ मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ इसमें दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ होल स्क्वायर कर देता हूँ अगर आप यहाँ पे होल स्क्वायर करते हो तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि मोड जेड का स्क्वायर जो होता है वो जेड जेड बार के बराबर होता है बेटा वही काम आप यहाँ पे करेंगे यार जब भी आप या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपकी इसकी वैल्यू लिखना चाहे इसका मतलब ये भी होता है इस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट मतलब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाता है इसकी वैल्यू है ना तो सुन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा तो यह आएगा आर पावर एन कॉस एन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस आर पावर एन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे करेंगे तो आर पावर एन का होल स्क्वायर माइनस टू आर पावर एन प्लस वन हो जाएगा बेटा इसको खोलेंगे तो आर पावर टू एन कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस टू आर एन ऑस एन प्लस वन प्लस आर पावर टू एन साइन स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू आर पावर टू एन माइनस टू आर एन प्लस वन हो जाएगा राइट right? बेटा यहाँ से अगर आप देखेंगे यार एक कॉमन आ रहा है बेटा आर पावर टू एन कॉमन आ रहा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा आर पावर टू एन प्लस टू आर एन कॉस एन टीटा बेटा आप देख रहे वन सेवन कैंसिल हो रहा है ना बेटा ये वन सेवन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा राइट right? यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी है ना सुनिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आर पावर टू एन है ना माइनस टू आर एन हो जाएगा राइट बट आप देखेंगे तो पावर पावर भी हमारे पास कैंसिल हो गया राइट right? यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा टू यहाँ पे आर एन उधर ले जाता तो बेटा टू पावर आर एन कॉमन आ जाएगा ये आएगा कॉस एनथीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा राइट right? सुन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा

करेक्ट तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व करा रखें तो वो आप यहां पर जाके देख सकते हैं और यहां पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय